व्रत के लिए बनाएंगे स्पेशल स्वादिष्ट साबूदाना पनीर आलू वड़ा रेसिपी, जिसे बना सकते हैं कुछ इजी स्टेप्स के साथ, जिसकी ऊपर की लेयर काफ़ी क्रिस्पी होगी और अंदर से बेहद ही सॉफ्ट। व्रत के दिनों के अलावा नॉर्मल डेज के दिनों के लिए भी एज ए टी टाइम स्नैक्स इसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। हाय, दिस इज सुधा तिवारी, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई। तो सुधा की रसोई में आप आ गए हैं, तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉयल करके रख लिया है, जो रूम टेम्परेचर में है, और इसका छिलका उतार कर इसे मैश कर लेंगे। पोटैटो मैशर के थ्रू इसे मैश कर लेंगे, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कद्दूकस ना करें, अच्छा है कि मैश कर लें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के आलू को मैंने मैश करके रख लिया है। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर, कितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से ऐड करेंगे। यहाँ पर आप कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अच्छा स्वाद आएगा अदरक अगर आप व्रत में खाते हैं। ये है पनीर जो मैंने कद्दूकस कर लिया है, फ्रेश पनीर लेंगे और इसे भी कद्दूकस कर लेंगे। दो मीडियम साइज़ आलू के साथ मैंने 100 ग्राम पनीर कद्दूकस करके रख लिया है। अब ये है साबूदाना, जिसे मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। साबूदाना को एक बार धोना है, फिर साबूदाना के बिल्कुल ऊपर लेवल तक आते ही पानी डालकर ढक कर सोख होने के लिए रखना है। सुबह आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छे से सोख हुआ रहेगा, काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसे आप हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा पल्स के मोड में 1-2 सेकंड चला लेंगे और इस तरह का थोड़ा सा आपको इसका पेस्ट मिल जाएगा साबूदाना का, जो आप इसमें अभी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़े से साबुत भीगे हुए साबूदाना को भी ऐड कर रही हूँ, जो थोड़े थोड़े वड़ा के ऊपर साबुत साबूदाना दिखाई देंगे तो वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो एक मुट्ठी भर के मैंने भीगा हुआ साबुत साबूदाना भी ऐड कर दिया है। अब सभी को अच्छी तरह से हाथ से मसल के मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये एज अ डो इकट्ठा हो गया है। अब एक बार हाथ को आप पानी से धो लेंगे और उसके बाद इसमें से आप मीडियम साइज़ के बॉल्स के बराबर पोर्शन लेके बॉल का शेप देंगे और इसे थोड़ा सा दबा के फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगी वड़ा टिक्की, साबूदाना की वड़ा टिक्की। ऐसे ही सारे डो के साथ मैंने टिक्कियाँ बना के रख ली है। अब व्रत की रेसिपी है तो मैं इसे यहाँ पर देसी घी में फ्राई करने जा रही हूँ। आप मूँगफली का भी तेल ले सकते हैं। तो देसी घी हल्का सा गर्म हो तो इसमें टिक्की डालकर आप फ्राई करना शुरू करेंगे। बट मैंने यहाँ पर अभी एक टिक्की डाली है ये टेस्ट करने के लिए कि कहीं ये बिखरेगा तो नहीं, तेल में बिखर कर फैल तो नहीं जाएगा। बट बहुत अच्छे से इसकी साबूदाना के पेस्ट के साथ बाइंडिंग हुई है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी बिखरा नहीं है और बहुत अच्छे कलर के साथ ये फ्राई हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे इसे और यहाँ पर 3 टिक्की वड़ा साबूदाना के डाल दिए हैं, और जब एक साइड से हल्का सा सिके तो दूसरी साइड पलट लेंगे। देसी घी में बना रहे हैं तो एक छोटी सी कढ़ाई ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के एक बैच में 3 से 4 साबूदाना टिक्की वड़ा को फ्राई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी बड़ा अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन कलर, और ऊपर की लेयर काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहता है। तो इस तरह से एक बैच में मैंने पहले 3 किया, अब मैं 4 डाल रही हूँ। तो 3 से 4 एक बार में आप फ्राई करें और बस जैसे ही बताया कि थोड़ा सा हल्का सिक जाए तो पलट देंगे और उलट पलट करके दोनों साइड लाइट ब्राउन कलर आने तक इसे आप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे टिक्की वड़ा को मैंने फ्राई कर लिया है। तो आपने देखा बहुत जल्दी बनकर ये तैयार होती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आप चाय के साथ व्रत के दिनों में आप इसे बनाकर ले सकते हैं। आपको आज की वीडियो और रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी क्रिस्पी बनी है ऊपर की लेयर।
ऐसी ही बहुत सारी न्यू रेसिपीज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, साथ के साथ बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप मेरी नई रेसिपीज़ को मिस ना कर पाएं। देरी किस बात की, आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।